दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। आज मैं आपके लिए जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखिए। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। जी हाँ, मूली, गाजर, हरी सब्जी, इन सभी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, थियामिन। थियामिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सी फंग। सी फंग द्वारा विटामिन शब्द का वैज्ञानिक नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शून्य कैलोरी। विटामिन से हमें किसी प्रकार की कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर होगा लैटिन। विटामिन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन को किन दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, पानी में घुलनशील, वसा में घुलनशील, दोनों प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मनुष्य के होंठ व त्वचा फटने लगते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन बी टू। विटामिन बी टू की कमी से मनुष्य के होंठ व त्वचा फटने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी ट्वेल्व। जी हाँ, विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, विटामिन ए और विटामिन बी, दोनों ही मछली के यकृत यानी लीवर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन तीव्रता से बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत ही तीव्रता से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, फ्लोक्यूनोन और क्यूनोन, दोनों ही विटामिन के रासायनिक नाम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टेकोफेरोल। टेकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन ई। विटामिन ई हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को नष्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन छिली हुई सब्जी को धोने से निकल जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन सी। विटामिन सी छिली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों ए और बी दोनों ही सही है, दोनों ही विटामिन बी थ्री के रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बायोटिन, बायोटिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा निकोटिनिक अम्ल, विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम निकोटिनिक अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बाल गिरने लगते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी सेवन की कमी से बाल गिरने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एस्कार्बिक अम्ल। जी हाँ, एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके के। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।